This is Sneha Shah from Let's Learn Spreading Wings. हमने आगे प्रेजेंट के थ्री टेंसेस पढ़े हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. उसमें जो फोर्थ हमारा बाकी है आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं. एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में हम वो चारों टेंस का अच्छे से रिविजन करने वाले हैं, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे शॉर्ट आउट हो जाएंगे आज. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. When do we use this tense? It is used to show the action which started at the particular point of time in the past and is still continuing. मतलब past के कोई point of time से ये action शुरू हुआ था और अभी भी चालू है. Present perfect continuous tense इसमें अभी तो action चालू है ही, लेकिन हम सिर्फ वो दिखाना नहीं चाहते कि अभी action चालू है, उसके लिए तो present perfect कंटिन्यूअस टेंस आता है. बट पास्ट के कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ था और अभी भी चालू है. जैसे कि रवि 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, मतलब उसने कब क्रिकेट खेलना शुरू किया था? 5 बजे, और अभी भी उसकी वो क्रिकेट खेलने की प्रोसेस चालू है. कियारा आधे घंटे से डांस कर रही है, मतलब आधे घंटे पहले उसे शुरू किया था डांस करना और अभी भी वो कर रही है, तो अभी भी ये एक्शन उसकी चालू है. हम 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी स्टार्टेड इट बिफोर 2 मंथ्स, बट अभी भी हमारा कंटिन्यू है. तो पास्ट के कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो शुरू हुआ था एंड राइट नाउ इट इज कंटिन्यू. ऐसी कोई जितनी भी एक्शंस है वो सब कहाँ दिखाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. आई टोल्ड यू बिफोर कि हर एक टेंस के लिए कोई अलग अलग फॉर्मेट होता है, वैसे इसका भी है. इसका फॉर्मेट क्या है? एफर्मेटिव का हैव और हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी वर्ब. हमने आगे की वीडियो में देखा था कि कब हैव यूज करते, कब हैज यूज करते. आज रिपीट कर लेते हैं. आई वी यू धे हो तो हैव लेंगे, ही शीट है तो हैज लेंगे, उसके बाद बीन लो, उसके बाद आईएनजी वर्ब. आईएनजी वर्ब मतलब हेल्प है तो हेल्पिंग, कम है तो कमिंग, गो है तो गोइंग, ऐसे. नेगेटिव है तो नॉट लगा, तो बीच में हैव और हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आई एन जी. हैव और हैज तो जो सब्जेक्ट है वो अकॉर्डिंगली लेना है. इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के आगे ले लो हैव और हैज, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है. बाकी तो सेम, बीन प्लस आई एन जी. ओके, अभी एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए. ये हमने देखा था, रवि 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा है. If I want to say this in English, then how would I? Ravi has been playing cricket since 5 o'clock. See, आपको ऐसा कहना होता कि रवि अभी क्रिकेट खेल रहा है तो आप क्या कहते? Then you would say Ravi is playing cricket now. तब वो present continuous tense हो जाता. लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि वो 5 बजे से खेल रहा है, मतलब past के कोई time से वो action शुरू हुई है. तब वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. इसीलिए हम क्या कहेंगे? रवि हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock. उसके बाद है कियारा आधे घंटे से डांस कर रही है. कियारा हैज बीन डांसिंग फॉर हाफ एन आवर, क्योंकि आधे घंटे से. इसमें फॉर क्यों लिया? क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, कितने बजे से वो नहीं पता है. पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, ड्यूरेशन दिया है. आधे घंटा, 2 घंटा बोले, 3 घंटा, 5 घंटा, 5 साल, ऐसा कहीं 3 महीने, तो वो सब ड्यूरेशन है. ड्यूरेशन के लिए फॉर आता है और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, जैसे 5 बजे से या मॉर्निंग से, या तो तुम आए तब से, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए सीन्स आएगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, कब सीन्स लेना है, कब फॉर लेना है. पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लो. जैसे कि 6 बजे से तो सिंस 6 o'clock, जनवरी से तो सिंस जनवरी, क्योंकि मंथ का पर्टिकुलर नाम दे दिया है. ईयर दे दिया है पर्टिकुलरली कि 1992 से, तो सिंस 1992, बिकॉज वी नो द परफेक्ट ईयर. बट अगर ऐसा कहा हो कि 5 साल से, तो क्या कहेंगे? फॉर 5 ईयर्स. ऐसा कहा हो कि 3 महीने से, तो क्या कहेंगे? फॉर 3 ईयर्स, क्योंकि ये ड्यूरेशन है. ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, कोई पर्टिकुलर मंथ नहीं दिया है. 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स. फॉर किसके लिए आएगा? पीरियड के लिए.
और सिंस किसके लिए आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि सुबह से ऐसा कहना हो तो सिंस मॉर्निंग। जब से वो बॉर्न हुआ तब से, तो सिंस ही वॉज बॉर्न। समझ में आ रहा है? कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो सिंस लो, पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो फॉर, पीरियड मतलब ड्यूरेशन। ओके, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। यहाँ पे क्यों फॉर आया? क्योंकि ये जो 2 मंथ्स है वो ड्यूरेशन है, कौन से महीने से वो नहीं दिया है। हैव क्यों लिया? क्योंकि वी है, हमने सीखा था आई वी यू दे है तो हैव लो। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव में भी सेम, खाली बीच में नॉट लगा दो। वो 1 साल से नहीं पढ़ा रही है तो शी हैज नॉट बीन टीचिंग फॉर 1 ईयर। दे हैव नॉट बीन सिटिंग हियर फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने से यहाँ नहीं बैठे है। सी फ्रेंड्स, आई नो वेरी वेल कि आप कन्फ्यूज हो रहे होगे कि कौन सा टेंस कब यूज करना है या तो उसका बाइफरगेट कैसे करना है। तो बस अभी हम ये खत्म करने के बाद वही देखेंगे कि उसका रिवीजन चारों को, जब 4 के 4 मिक्स हो तब किसमें क्या यूज करना है, उसमें आपको बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो वो आज आपका क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू क्लियर योर कन्फ्यूजन। इंटरोगेटिव, हैव यू बीन स्टैंडिंग इन द बालकनी फॉर 1 आवर? क्या आप 1 घंटे से बालकनी में खड़े हो? हैज किरण बीन रनिंग सिंस 10 o'clock? क्या वो 10 बजे से दौड़ रही है? सिंस क्यों लिया? क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे एन आर पर कितने बजे से वो नहीं पता था, इसलिए खाली ड्यूरेशन दिया था तो फॉर लिया, पीरियड है वो। वॉट हैव द चिल्ड्रन बीन डूइंग देयर फॉर 2 आवर्स? 2 घंटे से क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे भी आपको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, इसलिए फॉर लिया, बिकॉज यू नो ओनली द ड्यूरेशन। और हैव कहाँ ले लिया? सब्जेक्ट के आगे, और बीन प्लस ing। आई होप यू हैव लर्न्ड दिस टेंस वेरी वेल। अभी भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो वॉच द होल वीडियो अगेन, और साथ साथ में लिखते रहिए, आपकी नोट्स बनाते रहिए, ताकि जब भी आपको रिफर करना हो तो आप वो नोट्स में से अच्छे से कर सको। अभी अब हमने जो 4 प्रेजेंट टेंसेस पढ़े वो सबका रिवीजन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कोई एक सेंटेंस लेके हम चारों में कन्वर्ट करेंगे उसको। सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं अभी खेल रही हूं तो आई एम प्लेइंग नाउ। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो सेम सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस, मॉर्निंग मतलब मैं सुबह से खेल रही हूं। अभी आई एम गोना गिव यू सम एक्सरसाइज, आपको टेंस पहचानना है। आई गिव यू द सेंटेंस, ओके, एंड दे ऑल आर एफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब सारे पॉजिटिव है, हमने जो पढ़ा है उसमें से ही है। शी हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। तो आपको कोई भी सेंटेंस का जब टेंस पिक आउट करना है कि कौन से टेंस में है, तो वॉट यू नीड टू डू इज आप वर्ब पिक आउट कर लो, वर्ब निकाल लो उसमें से कि कौन सा वर्ब है। तो हैज बीन डांसिंग, क्या है वर्ब? हैज बीन डांसिंग। तो ये किसका फॉर्मेट लग रहा है आपको? हैव हैज प्लस बीन प्लस डांसिंग, तो आई एन जी वर्ब। तो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दे डू देयर वर्क ऑन टाइम। डू मतलब क्या है? वी वन है। डज होता तो एस और ईएस होता, ये वी वन है। तो वी वन कब लेते हैं हम? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखो आप यहाँ पे भी वी वन लिया है ना, प्ले। तो ये कौन सा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का? क्योंकि वो हमेशा अपना काम टाइम पे करते हैं। ही एक्सप्लेन्स इंग्लिश ग्रामर वेल, वो इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से समझाते हैं। एक्सप्लेन्स एस है, एस और यस वर्ब है, तो क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों यहाँ पे एस लिया? इसमें तो नहीं था। यहाँ पे इसलिए एस लिया क्योंकि ये ही है, हमने सीखा था कि ही सीट है तो एस आता है। आई एम स्टडिंग एट द मोमेंट। एट द मोमेंट मतलब राइट नाउ, मैं अभी पढ़ रही हूँ। कोई भी एक्शन जब अभी चालू होती है तो कौन से टेंस में आती है? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दे हैव जस्ट वॉच्ड दैट मूवी, कौन सा है वर्ब? हैव प्लस वी थ्री, हैव प्लस वी थ्री, तो हैव प्लस वी थ्री है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें इंडिकेटर भी है, कौन सा? जस्ट।
हमने देखा था कौन कौन से इंडिकेटर्स है, जस्ट, ऑलरेडी, येट, स्टिल, वो सब हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, एक्शन पूरी हो गई है पर उसकी फैक्ट चालू है। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे प्रेजेंट के टेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, और आपको ग्रामर का कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका जल्द से जल्द वीडियो बनाने का ट्राई करूंगी। जैसे कि डिग्रीज है, एक्टिव पैसिव, ये सब के तो मैं बनाऊंगी, एक बार टेंसेस खत्म हो जाएंगे उसके बाद। बट आपको कोई पर्टिकुलर आपकी डिमांड है मैथ्स में भी या इंग्लिश में भी तो यू कैन कमेंट मी। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय। अभी हम सारे प्रेजेंट टेंसेस का रिवीजन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जैसे आई एम प्लेइंग नाउ, मैं अभी खेल रही हूँ। हम पढ़े थे कि कोई भी एक्शन जब अभी कंटिन्यू है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। जैसे मैं अभी खेल रही हूँ तो आई एम प्लेइंग नाउ, उसका फॉर्मेट था इज एम आर प्लस आई एन जी। बट यही सेम सेंटेंस को अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहना हो तो आई प्ले एट फाइव डेली, उसका क्या था फॉर्मेट? वी वन या तो एस और ई एस वर्ब। क्यों वी वन लिया? क्योंकि आई है, ही शीट होता तो प्लेज लेते। मैं रोज खेलता हूं या खेलती हूं, इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि रूटीन एक्टिविटीज के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, ये भी हमने सीखा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज करते? कोई एक्शन कंप्लीट हो गई है पर उसकी इफेक्ट चालू है। जैसे मैंने अभी ही कार्ड्स खेले हैं तो आई हैव जस्ट प्लेड कार्ड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं सुबह से खेल रही हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है, ये वही टेंस है जो हम आज पढ़े। पास्ट के कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सेक्शन शुरू हो गई थी और अभी भी चालू है।